बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और मैं भी मज़े में हूँ, और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। और आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे कौवे और चीले यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो आज सुबह मैंने इनको खिलाने के लिए गोश्त मंगवाया था, और आज की सुबह का आगाज़ मैंने सदक़े से किया था। और कहते हैं कि आप अपनी सुबह का आगाज़ सदक़े से करें, और जिस दिन आप अपने हाथ से सदक़ा निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हर बला परेशानी और मुसीबत से आपको निजात मिलेगी। तो जनाब, जो जो मेरी वीडियो को, मेरे व्लॉग को इस वक्त देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और ये बिल्कुल फ्री होता है, और किसी भी चैनल की एप्रिसिएशन इसी तरह से होती है, उसके काम को इसी तरह सराहा जाता है कि आप उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसकी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आपका ऐसा करने से जो खुशी मिलती है ना, जो एफ़र्ट्स करने का और दिल चाहता है, जो मोटिवेशन मिलती है, वो स्पीचलेस है। और आज मेरे गले में काफ़ी पेन हो रहा था, तो काइंडली इग्नोर कर दीजिएगा, आपको महसूस हो रहा होगा मेरी आवाज़ से, क्योंकि मेरी आवाज़ काफ़ी चेंज लग रही है इस वक्त। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं फिर आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को। यहाँ मैं ड्राइंग रूम में आई थी अपने व्लॉग्स की वॉइस ओवर करने के लिए, और मुझे जब भी वॉइस ओवर करना होता है ना, तो मैं ड्राइंग रूम में आ जाती हूँ, क्योंकि ना बाहर बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, और स्पेशली जब वो देखते हैं ना कि मम्मा को ऐसा काम कर रही हैं, तो बार बार मुझसे आगे बात करते हैं। ये तो आपको भी पता होगा, जब भी कोई ऐसा मौका होता है ना, तो बच्चे बार बार आके इंटरप्ट करते हैं आपको। तो मैं यहाँ सुकून से बैठ के ना वॉइस ओवर करती हूँ, और मैं यहाँ मैरिनेशन कर रही हूँ। भाई, किस चीज़ के लिए मैरिनेशन कर रही हूँ? जनाब, आज मेरे घर में बारबेक्यू है, और मेरे हस्बैंड ने अपने कज़न्स को इनवाइट किया है, और रात में बारबेक्यू है आज, और आज सैटरडे की नाइट को बारबेक्यू रखा है। और टाइम जो है वो काफ़ी शॉर्ट था मेरे पास, तो दोपहर में ही फिर मुझे मैरिनेशन करनी पड़ी, अदरवाइज़ मैं ओवरनाइट करती हूँ, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। लेकिन खैर, बहुत अच्छे बने थे माशाल्लाह से। ये विंग्स और गर्दनें थी चिकन की, और मैंने जो जो इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ करे थे वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, नमक डाला था, आप हसबे जायका डाल लीजिएगा नमक, और 1 टेबल स्पून मैंने भुना हुआ क्रश ज़ीरा डाला था, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला था। इसके अलावा मैंने 8 से 10 लेमन लिए थे। अच्छा, लेमन मैं इसलिए डालती हूँ कि इससे आपका जो गोश्त है ना वो अच्छा टेंडर हो जाता है, और आपको टेंडराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही कच्चा पपीता लगाना पड़ता है। और यहाँ थोड़ा सा मेरे पास बिहारी कबाब मसाला था, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया था, बिल्कुल थोड़ा सा था। वैसे माशाल्लाह घर के मसाले से जो है ना बहुत मज़े के बनते हैं ये, तो आप ट्राई करके देखिएगा मेरी रेसिपी, फिर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और आज बहुत सारे काम थे जो मुझे ना निपटाने थे, और मैरिनेशन के बाद मुझे जाना था पार्लर, और मुझे फेशियल करवाना था, मगर रोज़ाना यही कह रही थी आज जाऊँगी कल जाऊँगी आज जाऊँगी कल जाऊँगी, लेकिन बच्चों के साथ यकीन करें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता अपने लिए। तो आज मेरे हस्बैंड पीछे लगे, कहना है नहीं आप चलें, आप रोज़ाना यही कहती हैं कल जाऊँगी आज जाऊँगी, और कल वैसे ही अब वलीमा आया तो अब कब जाओगी आप? तो मेरे हस्बैंड फिर मुझे यहाँ ले आए थे, और मैंने फेशियल वगैरह करवा लिया था यहाँ पर, क्योंकि रात में तो आपको पता है फिर मसरूफ़ हो जाना है, और कल फिर वलीमा था। तो जनाब, मैं घर आ चुकी हूँ, और इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं, और मैं यहाँ शेक पी रही थी, क्योंकि बच्चों का बहुत दिल चाह रहा था शेक का, स्ट्रॉबेरी इतनी फ्रेश आई हुई है ना इस वक्त, तो बच्चे कहने लगे मामा आप शेक बना दें हमें। तो मैंने आते ही बच्चों के लिए शेक बनाया, अपने लिए बनाया, और सबने शेक पिया यहाँ पर। और शेक पीने के बाद आपको पता है कि पार्टी है, तो फिर पार्टी में तो आपको पता है ना कितना एहतमाम करना पड़ता है, कितना सारा काम करना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और यहाँ शेक पीने के बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह सब धो के रख दिए थे, और आपको पता है कि बर्तनों में इतनी बरकत होती है ना माशाल्लाह माशाल्लाह के बाद। तो भाई, हमारी तो पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग भी आ जाएं, आप लोगों का भी दिल चाह रहा है ना, सबके मुंह में पानी आ रहा होगा ना बारबेक्यू देख के, तो भाई आ जाएं, मैं तो आपको हमेशा इनवाइट करती हूँ।
तो जनाब यहाँ पर सीखों के ऊपर गर्दन और विंग्स लगाए जा रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। और मोहम्मद उस्मान स्पीकर लेकर आ गए थे, उन्होंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया था और यहाँ पर जो है ना सब इंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह से। और इस तरह के प्रोग्राम जो है ना वो करने चाहिए घर में, इससे इंसान मेंटली तौर पे थोड़ा फ्रेश होता है और अच्छा लगता है। जब इंसान सबके साथ मिल के बैठ के खाता है ना तो उसकी खुशी होती है और वो खुशी बिल्कुल अलग होती है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो गरम गरम सीखे उतार के सबको सर्व कर रहे थे और सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। और आपको पता है कि बारबेक्यू जो है ना वो गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है, बाद में वो मज़ेदार ही नहीं रहती कि अगर आप रख के खाएं ना तो वो मज़ा नहीं आता। और मैं आज बहुत खुश थी इसलिए कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जो प्लान किया था ना जिस तरह का प्रोग्राम, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो ज़ाहिर है जब शौहर खुश होते हैं तो फिर हमें भी खुश होना चाहिए। और किसी को कुछ खिला के जो खुशी मिलती है ना, यकीन करें वो खुद खा के नहीं मिलती। तो आज का प्रोग्राम जो है ना वो तो हिट है। और यहाँ पर केक कट रहा है, तो भाई मेरी बर्थडे नहीं है, मेरी बर्थडे जो है वो अभी नहीं आई है। जब मेरी बर्थडे आएगी ना तो मैं आप लोगों को पहले से बता दूँगी। ये केक इनके कज़न लेकर आए थे और मीठे में हमने आज यही खाया था। और मैंने यहाँ इस तरह से कटिंग करके ना ट्रे के अंदर पीसीज निकाल दिए थे, फिर सब ने एक एक पीस ले लिया था। और बहुत मज़े का केक था, काफ़ी डिफरेंट था, जैसे हम बेकरी से लेते हैं ना उससे काफ़ी डिफरेंट था इसका टेस्ट और बहुत लाइट था। और ये केक हैदराबाद से आया था, कराची का नहीं था। और आई डोंट नो कि इसकी कोई ब्रांच कराची में है या नहीं, लेकिन ये हैदराबाद से आया था केक। और मेरे व्लॉग में मोंटू ना हो तो मेरा तो व्लॉग ही अधूरा है। और मेरा गुड्डा, मेरा शहजादा देखें किस तरह से गेम खेल रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। और माशाल्लाह इतना जीनियस है ना मेरा गुड्डा कि देखिए मोबाइल चला रहा है। मैंने कहा आप लोगों के लिए ना वीडियो बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। और कोई एडिटिंग नहीं हुई इसके अंदर, ये वाकई रियल में है बिल्कुल। और माशाल्लाह से हाथ मार मार के ना वीडियो चेक कर रही हैं। अल्लाह ताला ने कितनी अकल और समझ दी है माशाल्लाह जानवरों को भी ना, बस ये बोल नहीं सकते मगर समझते सब चीज़ हैं। यहीं तक का था आपका मेरा साथ, रखिएगा दुआओं में मुझे याद इस अपनेपन के साथ कि फिर मिलेंगे। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन, और जब मुझे मिलती है मोटिवेशन तो मैं बनाती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग्स। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।